नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट हो गया बट यस फेस्टिव सीजन है कल क्रिसमस है मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस इफ यू आर न्यू टू माई चैनल यू आर वॉचिंग Rabbi's Fashions, एंड आई एम स्वनाली प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आईकन फॉर द लेटेस्ट अपडोट्स मसूर दाल पाउडर आपको चाहिए इस फेस पैक को बनाने के लिए रैदर इस स्क्रब को बनाने के लिए फ़ेस पैक से ज़्यादा ये स्क्रब का बहुत अच्छा काम करेगा तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया हुआ है अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो आप कैसे घर पे प्रॉपर तरीके से मसूर दाल का पाउडर आप बना सकते हैं इवन अगर आपके पास घर में ग्राइंडर नहीं है तो भी आप बहुत ईजिली कैसे बना सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बता दिया है तो आप वो चेकआउट कर लीजिए लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ओके okay, यहाँ पे मैंने ले लिया टू टीस्पून ऑफ़ मसूर दाल पाउडर उसमें वन टीस्पून ऑफ राइस फ्लावर जो होता है ठीक है पिसा हुआ राइस या फिर राइस पाउडर जो होता है वो ठीक है वो भी आपको बहुत इजीली मिल जाता है आप घर पे भी बना सकते हैं एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया है दही तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी यूजुअली uh, क्या होता है दही में काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है तो अगर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है देन अलग से आपको वाटर मिलाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है इस पेस्ट को बनाने के लिए बट इफ़ यू हैव थिक दही थिक योगर्ट है आपके पास ठीक है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया एंड लाइक हाफ़ टी स्पून या फिर वन टीस्पून आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए ताकि एक क्रीमी सा पेस्ट बन जाए जिनका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड स्पेशली जिनके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं मैं हम कभी भी उनको रिकमेंड नहीं करती कि आप कोई भी स्टोर बॉट जो यू you नो know, स्क्रब होता है वो ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर स्क्रब होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकता है आपकी स्किन पर स्पेशली जहाँ पे, पे ब्रेकआउट्स है तो उस एरिया को आप छोड़ दीजिए जहाँ पे ब्रेकआउट्स है आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कुछ ऐसे पता नहीं कुछ दाने निकल आए थे मैंने मेकअप शेयर किया था क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी मेकअप लुक वहाँ पे मैंने लाइक like, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था सो येस ऑफकोर्स नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट कि कुछ अगर ऐसा होता भी है तो ये मैं किसी भी नेचुरल रेमेडी से इन सबको बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकती हूँ ये तो आपको सामने से ही दिखेगा ठीक है फर्स्ट यूज़ में ही आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा नेचुरल रेमेडी का एक बहुत ही मेन इन uh, एडवांटेज है दैट इज़ इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स शुरू करने से पहले अपने फेस को थोड़ा सा क्लींस कर लीजिए विथ फेस वॉश और नेचुरल क्लेंजर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत सारे नेचुरल क्लेंजर शेयर किया है इसमें है मसूर दाल जो बहुत ही अच्छा एक्सफोलियशन का, का काम करता है प्लस ये आपके स्किन वाइटनिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है वाइटनिंग में आप को राइस फ्लावर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जिनका जिनके फेस पे यू नो डलनेस है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है वो यूज़ कर सकते हैं अराउंड द नोज़ एरिया माउथ एरिया डेड स्किन सेल्स जमा होने लगते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है टैनिंग की वजह से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो आप तो आप ये मसूर डाल एंड राइस फ्लावर का जो मिक्सचर है वो आप यूज़ करके देखो आपको सही में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा प्लस हमने यहाँ पर डाला है दही इसमें होता है लैक्टिक एसिड जो एक्सफोलिएशन का कमाल का, का काम करता है अगर आप यू you नो know, स्क्रबिंग आपको करना है वीक में थ्री टाइम्स दैट्स ऑल उससे ज़्यादा मत कीजिए आप इसे एज अ पैक भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी थिक सा पेस्ट है आप देख सकते हैं और मैं बहुत ही स्लोली अपने फ़ेस को मसाज कर रही हूँ मैंने इसे बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे रखा है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि अपने फेस पे जब आप कोई भी मसाज वगैरह कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जेंटल लाइक मसाज कीजिए अगर आपके फेस में ब्रेकआउट्स है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके टीजो नाक पे या फिर फोर uh, हेड पे एक ब्रेकआउट हुआ है देन लीव दैट एरिया ठीक है मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी उस एरिया को थोड़ा सा आप uh, छोड़ दीजिए एंड मसाज द अदर एरियाज ठीक है इससे क्या होगा जितना भी स्किन सेल्स है यू नो डर्ट है गंदगी है वो निकल जाएगा प्लस और ज़्यादा ब्रेकआउट्स ताकि इन फ्यूचर ना हो उसमें भी हेल्प करेगा टू से थ्री मिनट्स तक आप इसे अपने फेस पे धीरे से अपने फिंगर्स की हेल्प से मसाज कीजिए एंड देन कीप इट फॉर फाइव मिनट्स से बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा एंड वॉश इट ऑफ इसके बाद आप कोई भी फेस पैक यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर सीरम कुछ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं आप ये रात में कर सकते हैं ओके okay. हर एक एज ग्रुप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड मेल फीमेल ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हर कोई ये से यूज़ करे मुझे बहुत सारे एक्चुअली कमेंट्स भी आते हैं कि लड़के ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं ऑब्वियसली दिस इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट देर इज़ नो सच लाइक डिफरेंशिएशन कि हाँ सिर्फ लड़कियाँ यूज़ कर सकते हैं uh, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एक्सेसिव ड्राई स्किन है देन आई वोंट रिकमेंड इट बिकॉज आपको शायद थोड़ा सा ड्राइंग लगे अगर बहुत ज़्यादा ड्राइंग लगता है ना तो आप एक काम कीजिए आप इसमें विटामिन ई e टैबलेट्स या फिर ऑलिव ऑयल इन इनमें से कोई भी आप ऐड कर दो तो काफ़ी थिक ऑयल्स है ये तो ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं होगा आपके फेस के लिए एंड दैट्स इट मैंने वॉश कर लिया एंड यू कैन सी देर इज़ नो मेकअप ऑन माई फेस एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस इमीडिएटली और जो दाग है ना वो बहुत ही ईजीली ये चला जाएगा वीक में आपको थ्री टाइम्स यूज़ करना है आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज में थ्री टू फोर डेज तक आराम से ठीक है चलिए बाई टेक केयर एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ